हेलो गाइस, वेलकम इन विकास एकेडमी। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं गाइस कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिप्स विद कंसेंट्रिक सर्किट मेथड। इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें हमने बताया था, मैनुअली करके बताया था, प्रैक्टिकली आपको दिखाया था ड्राफ्टर की हेल्प से कि हम एक एलिप्स कंसेंट्रिक सर्कल मेथड के द्वारा कैसे बना सकते हैं। बट इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि कंसेंट्रिक सर्कल मेथड का तो यूज करेंगे और हम एनिमेशन से इस वीडियो ट्यूटोरियल को कंप्लीट करने वाले हैं, एनिमेशन से सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि नॉर्मल हम कैसे ड्रॉ करेंगे किसी पर्टिकुलर हाइट पे, जैसे मेजर एक्सिस से कुछ हाइट दे दी जाएगी तो उस हाइट पे हम नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे जो कि मिसिंग थी हमारे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में, एलिप्स के कंस्ट्रक्शन वाले वीडियो ट्यूटोरियल में, तो उसे हम कवर करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी क्वेश्चन, ड्रॉ एन एलिप्स बाय concentric circle method, take major axis 120 mm and minor axis 80 mm long, also draw normal and tangent on the curve at a point 30 mm above the major axis, ठीक है? तो ऐसा है कि एक ellipse हमें draw करनी है concentric circle method से, जिसकी major axis जो होगी, बड़ी वाली axis जो होगी वो 120 mm की होगी, छोटी वाली axis जो होगी वो होगी हमारी 80 mm की। और हम एलिप्स की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के बाद उस मेजर एक्सिस से 30 mm ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और वो हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे एलिप्स को कट करेगी वहाँ पे नॉर्मल एंड टेंजेंट को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कंसेंट्रिक सर्कल मेथड के बारे में। कंसेंट्रिक का मतलब ये होता है गाइस, कंसेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं उसे समझिए। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब मोर देन टू सर्कल्स विच हैव अ सेम, हम बोल सकते हैं सेंटर्स, विच ड्रॉन फ्रॉम द सेम सेंटर्स। अगर एक सेंटर से हम दो तीन चार पाँच या कई सारे सर्किल्स को ड्रॉ, डिफरेंट सर्किल, डिफरेंट डायमीटर की सर्किल को ड्रॉ करते हैं तो वो कहलाती है कंसेंट्रिक सर्किल। और यहाँ पर एलिप्स के कंस्ट्रक्शन में हमारी दो कंसेंट्रिक सर्किल की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने एलिप्स को गेन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेजर एक्सिस ड्रॉ करते हैं जो हमारी दी गई है 120 mm की। तो ये है हमारी मेजर एक्सिस। अब हम माइनर एक्सिस कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे जो इस मेजर एक्सिस को बाइसेक्ट करेगी, मेजर एक्सिस को बाइसेक्ट करेगी और माइनर एक्सिस भी बाइसेक्ट होगी। तो हम ये, हमने ये कर लिया ड्रॉ, नेमिंग कर देंगे, हम इसे नेम देंगे, मेजर एक्सिस हमारी यहाँ पे हो जाएगी ए बी एंड माइनर एक्सिस सी डी। तो देखिए सेंटर की नेमिंग करते हैं तो ओ देते हैं, तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस जो बाइसेक्ट करे, मैंने आपको बताया। इसका मतलब ये हुआ कि AO इज इक्वल टू OB होना चाहिए, OC इज इक्वल टू OD होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं माइनर सर्किल, अगेन हम मेजर सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो OC है, OC एज अ रेडियस एंड O एज अ सेंटर हमने माइनर सर्किल को ड्रॉ किया, उसी तरह से O एज अ सेंटर, OA एज अ रेडियस हमने क्या किया, मेजर सर्किल को ड्रॉ किया। C और D की एक्सटेंड, C एंड D को हम क्या करेंगे, ये जो OD है हमारी या OC लाइन है इसे हम एक्सटेंड कुछ इस तरीके से करेंगे, OD एंड OC को हम एक्सटेंड करेंगे कि ये मेजर सर्कमफेरेंस को टच करें। तो ये हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, फोर इक्वल पार्ट में हमारी दोनों सर्किल डिवाइड हो गई, बट हमें इसे क्या करना है, 12 या 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इस ट्यूटोरियल में हम इसे 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। तो ये देखिए हमने क्या किया, इसे 12 इक्वल पार्ट में कर दिया डिवाइड। अब मेजर सर्किल जो है हमारी, उस पर जो हमें पॉइंट्स मिले, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स या सर्कमफेरेंस, हमारी सर्कमफेरेंस पर जो पॉइंट्स मिले हैं उसे हम नाम दे देंगे। सो दिस इज आवर वन, ये टू है, थ्री है, फोर है, फाइव, और ये ए बी तो हमारी थी, तो यहाँ पे सिक्स ना देके हमने यहाँ पे दिया 6 7 8 9 10, ओके? तो अब हमने क्या करना है, ये माइनर सर्किल है उसे भी हम नेमिंग कर देंगे, 1-2-3-4-5, दिस इज सिक्स वाली लाइन है तो हम इसे सिक्स के, अपने कन्वीनियंस के लिए हम क्या करेंगे, 6-7-8-9-10 देंगे 10 वाली लाइन पे। तो रिस्पेक्टिवली जो हमारी 10 वाली लाइन है उसे 10-, 9 वाली 9-, तो इस तरीके से हम नेमिंग कर देंगे माइनस सर्किल के सर्कमफेरेंस पे जो पॉइंट मिली है उसे, ठीक है? इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि मेजर सर्किल जो है, बड़ी वाली सर्किल है, वहां से हर एक पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक लाइन जो है हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो हमारा अपवर्ड कब करेंगे, डाउनवर्ड कब करेंगे, ये आप नोट डाउन कीजिए क्योंकि स्टेप में नहीं लिखा है ये वहाँ पे, या शायद हमने लिख दिया है आपको वहाँ पे हो सके समझ में ना आए, तो ठीक है। तो वन से, जैसे हमारी ये क्या है मेजर सर्कल को अगर देखें तो ए थ्री बी, ये एक सेमी सर्कल है,
तो अगर सेमी सर्कल अपर सेमी सर्कल है तो वहां से हम वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉ करेंगे और लोअर सर्कल जो है वहां से वर्टिकली अपवर्ड ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। वन से हमने क्या किया वर्टिकली डाउनवर्ड, टू से वर्टिकली डाउनवर्ड, थ्री पे वर्टिकली डाउनवर्ड की कोई जरूरत नहीं है, फोर से वर्टिकली डाउनवर्ड, फाइव से वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन सिक्स से हमारी वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगी क्योंकि ए एट बी जो है हमारी लोअर सर्किल है और यहाँ से हमें अपवर्ड ड्रॉ करना होगा सेवन से, नाइन से, टेन से। ठीक है, तो ये कहानी है वर्टिकल लाइन की। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे हम छोटे वाले सर्कल से, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ करनी है वो राइट वार्ड एंड लेफ्ट वार्ड करनी है छोटे वाले सर्कल के पॉइंट से। तो लेफ्ट वार्ड कब करेंगे, राइट वार्ड कब करेंगे, तो ये देखिए ये एक सेमी सर्कल है हमारे पास 3A8 लेफ्ट वाली सेमी सर्किल एंड 3B8 राइट वाली सेमी सर्किल। तो लेफ्ट वाली सेमी सर्कल में जो पॉइंट है जैसे 1' है तो यहाँ से हम लेफ्ट वार्ड ड्रॉ करेंगे एंड राइट वाली जो सर्किल है जैसे यहाँ पे 5' है तो हम यहाँ से राइट वार्ड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 से हमने वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन ड्रॉ किया एंड यहाँ पे वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली लेफ्ट वार्ड हमने ड्रॉ किया 1' से। तो ये जो हमें एक पॉइंट मिली कटिंग पॉइंट, इसे हमने एक पॉइंट यहाँ पे गेन किया। उसी तरीके से 2 से वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन एंड 2' से हॉरिजॉन्टली लेफ्ट वार्ड। 3 पे तो ऑलरेडी 3' पे हमें एक पॉइंट मिल चुका है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे 4 से हम वर्टिकली डाउनवर्ड आएंगे एंड यहाँ पे 4' से राइट वार्ड आ जाएंगे हॉरिजॉन्टली, तो ये पॉइंट मिलेगी। 5 से वर्टिकली डाउनवर्ड एंड 5' से राइट वार्ड हॉरिजॉन्टली आएंगे तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगी। उसी तरह से बी पे ऑलरेडी हमें एक पॉइंट डिफाइन है, मेजर एक्सिस पे हमने ए और बी पे दोनों पे पॉइंट लेना है। और अगर माइनर एक्सिस की बात करें तो माइनर एक्सिस जो लिया था हमने उसके दोनों एंड पॉइंट को हम पॉइंट कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 6 से हम क्या करेंगे वर्टिकली अपवर्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, और 6' से हम हॉरिजॉन्टली राइट वार्ड। उसी तरीके 7 से हमें ये पॉइंट मिलेगा, डी पे हमें यानी 8' पे हमें ये पॉइंट, 9 से वर्टिकली अपवर्ड और यहाँ पे जो 9' हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट वार्ड होगा, 10' से भी हॉरिजॉन्टली लेफ्ट वार्ड होगा और ए पे फाइनली हमें पॉइंट मिलेगी। जब इन पॉइंट्स को हम कुछ यूं मिला देंगे तो हमें मिल जाएगी एक एलिप्स। ठीक है, ये तो एलिप्स हमें मिल गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देखिए, बोला गया कि 30 mm ऊपर मेजर एक्सिस के, तो मेजर एक्सिस हमारी ए बी है, उसके 30 mm ऊपर हमें क्या करना है एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हम माइनर एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमने पॉइंट फाइंड आउट किया जो कि कितनी है, ये 30 mm है हमारी ऊपर, किसके, ए बी के, ए बी के 30 mm ऊपर है। ठीक है, ओके गाइज, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो इलिप्स को पी पॉइंट पे हमारी कट करेगी, ये हमारी पी पॉइंट है यहाँ पे कट करेगी। इस पी पॉइंट से हमें क्या करना है, अब देखिए ओ ए एज ए रेडियस मेजर करना है और इसी रेडियस को ओ ए एज ए रेडियस मेजर करके कंपास की पिन को सी पे रखेंगे और ओ ए लाइन को हम यहाँ पे कट कर देंगे। ठीक है, ये हमें एक कटिंग पॉइंट मिलेगा जिसे नाम देंगे एफ वन। और राइट वार्ड में भी सेम थिंग, हम क्या करेंगे ओ ए एज ए रेडियस लेके कंपास की पिन को सी पे रख के ओ बी को कट कर देंगे तो एफ टू मिल जाएगा, ये दोनों फोकस पॉइंट हमें मिल जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे हम इन दोनों फोकस पॉइंट को पॉइंट पी से कनेक्ट कर देंगे, मतलब एफ वन पी और एफ टू पी हमें यूं करना है या पी एफ वन पी एफ टू। तो इस तरीके से एफ वन पी एफ टू हमें क्या मिल जाएगी, ट्रायंगल मिल जाएगी। इस ट्रायंगल को हमें बाइसेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे बड़े आसानी से इसे बाइसेक्ट कर सकते हैं और यही बाइसेक्टर लाइन जो होगी, यही एंगल बाइसेक्टर जो होगी हमारी नॉर्मल होगी। और इस नॉर्मल पे जब हम क्या करेंगे 90° के एंगल बनाकर एक लाइन खींचेंगे तो ये हमारी कहलाएगी टेंजेंट। और ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, कुछ पॉइंट्स हमें दी गई हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कंसेंट्रिक सर्कल से रिलेटेड जो जितने भी एलिप्स के प्रॉब्लम है उसे बड़े आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करना ना भूलें, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब अवर चैनल। So that's all for today. See you in the next video tutorial. Thank you very much for watching.